अभी आ रहा है वॉइस वॉइस अभी आ रहा है चेक कर लीजिए वॉइस आ रही है ना व्इस इज क्लियर है देख लीजिए एक बार चलिए अगर क्लियर है तो फिर क्वेश्चन पे अब चलते हैं और आप लोग से पहले भी बोले हैं कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आज का टारगेट है कि कम से कम तीस लोगों को ज्वाइन कराना है सो तो वीडियो को शेयर करिए आप लोग जल्दी से जल्दी चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्पी घर्षण के सर्पी घर्षण स्थिर घर्षण के तुलना में यानी कि स्लाइडिंग फ्रैक्शन स्टैटिक फ्रैक्शन के कंपेयर में क्या होगा तो इसके राइट right आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसका राइट right आंसर क्या होगा स्मॉलर होगा ओके okay? स्मॉलर होगा डी ऑप्शन इसका राइट right है ठीक है डी ऑप्शन इसका राइट right है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट है कि जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म के द्वारा विच्छेपित होता है तो न्यूनतम विचलन किस रंग में होता है मिनिमम डिवेशन किस में होता है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर रेड होगा इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा रेड होगा ओके इसका पहला सबसे पहला आंसर देव उसके बाद अभिनव प्रकाश और उसके बाद खुशबू इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है और भी बाकी लोगों ने भी दिया है ठीक है चलिए अभी आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग ज्वाइन किए हैं कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े इसे वीडियो को शेयर करिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पहले भी हमने आपसे कराया था एक बार पहले भी हमने इसको कराया था पूछा था कि स्मोक इज एग्जांपल ऑफ स्मोक जो होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है बहुत सही चले इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा सॉलिड डिस्प्लेस्ड इन गैस यानी कि गैस में ठोस फैलाओ सी ऑप्शन इसका राइट होगा ओके okay. इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो शिवम देव और रॉयल ठाकुर ने इसका राइट आंसर दिया है सबसे पहले ओके okay. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो रायल ठाकुर शिवांगी और अंश ने इसका राइट आंसर दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा परसेंटेज में आप देखे होंगे अभी कल ही हमने क्वेश्चन आपको कराया था तो उसमें हम लोग बात किया था आद्रता का जिसमें बोला था कि हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए आद्रता बोले भी थे कि हंड्रेड परसेंट उसकी आद्रता होनी चाहिए ओके तो उसका राइट आंसर क्या होगा परसेंटेज परसेंटेज इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें से आपको बताना है माइक्रो न्यूट्रेंट माइक्रो न्यूट्रेंट बनाना है प्लांट्स के लिए पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक बताना है कि कौन सा होगा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर बोरान होगा इसमें सूक्ष्म पोषक के बारे में बात किया गया है माइक्रो तो के बारे में बात किया गया है ठीक है? है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बोरान होगा किसी का नहीं सही था ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिट्रियोल का तेल का रासायनिक नाम क्या होगा ऑयल ऑफ बिट्रियोल इसका रासायनिक नाम क्या होगा चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका अभी अंकित पाठक का राइट आंसर है इसका ठीक है एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को ओके सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो वो होता है एच टू एसओ फोर ठीक है कार के बैटरी में यही यूज किया जाता है एसिड कार के बैटरियों में भी अगर पूछा जाए कि कार के बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है तो वहां भी एस टू एसओ फोर ही होगा ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयनिक बांड के संयोजक गुण के बारे में सही कथन बताइए आयनिक बॉन्ड के जो कोवैलेंट कैरेक्टर ठीक है उसका आपको एक भी बताना है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा सॉरी सी होगा ए एंड बी दोनों ठीक है इसका राइट आंसर ए एंड बी दोनों का इसका राइट आंसर देने में विकास शिखा एंड शिवान इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब सूर्य की किरणें इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा ठीक होगा ठीक है पानी की बूंदों से कुल आंतिक प्रतिबिंब के कारण हुआ बिखराव ठीक है इसका राइट आंसर देने में विकास आर्या और खुशबू इन लोगों ने सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम उस उपकरण को क्या कहते हैं जो एक स्वतः रेडाक्स रिएक्शन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है चले इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका क्या होगा गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल इसका राइट आंसर होगा क्लियर तो है एकदम क्लियर दिख रहा है एक बार आप लोग देख लीजिए अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है क्या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल किसका सबसे अच्छा स्रोत है जो दाल होता है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन चले, इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा प्रोटीन सी ऑप्शन इसका राइट होगा प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा ओके चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरप्लेसिया इपरप्लेसिया का अर्थ क्या होता है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ए होगा कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि आंसर खुशबू शिवांगी और आर्या ने दिया है ओके okay? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का मूत्र कहां जमा होता है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर राहुल ठाकुर हर्षिता ओझा और विकास ने दिया है ओके इसका राइट आंसर क्या होगा मुत्रास है बी ऑप्शन इसका राइट होगा ठीक है बी ऑप्शन इसका राइट है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि <coughs> सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम उस विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं जो नान स्वतः रासायनिक प्रतिक्रिया को ले जाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है चलिए इसका राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर राहुल ठाकुर शिवा और विकास नदी है ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा डी होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके नहीं सी नहीं होगा डी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गैलवेनिक सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है गैलवेनिक सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है इसका राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर राहुल ठाकुर खुशबू और अंश इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा एनोड एनोड पर होता है ओके एनोड इसका राइट आंसर होगा चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकिम फ्लोरम मम टेन्युफ्लोरम का वैज्ञानिक मतलब किसका वैज्ञानिक नाम होता है ये चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर विकास हर्षिता ओझा और देव इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा तुलसी तुलसी का रासायनिक नाम होता है ये ओके तुलसी का रासायनिक नाम होता है ये और आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए लगता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्योंकि आज तो बहुत ही कम लोग जुड़े हैं सिक्सटीन हैं, अभी तो फिफ्टीन हो गए तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करिए टारगेट हम लोग तीस का रखे हैं नाम मेंशन करें जो भी न्यू है यहां पे नाम मेंशन करके अपना ठीक है तो ट्राई ये कीजिए आप लोग की थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए क्योंकि हम लोग टारगेट लिए हैं थर्टी के कि कम से कम तीस लोग जुड़े हैं इससे ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनानास कोमोसस अनानास कोमोसस इसका राइट आंसर बताइए बहुत सही रूपाली शर्मा काफी लेट ज्वाइन किए हैं छह बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग लेट मत किया कीजिए फिफ्टीन क्वेश्चन आपके गायब हो गए चलिए इसके राइट right आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट right आंसर क्या होगा अनानास ठीक है। टाइमिंग आपका छह बजे से है डेली छह बजे चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम आर किल्ड एंजाइम कब मारे जाते हैं एंजाइम कब मारे जाते हैं चलिए इसका राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर शिवांगी और अभी रूपाली ने दिया है ठीक है इसका राइट आंसर होगा एट ए वेरी हाई टेम्परेचर बहुत अधिक तापमान पे ठीक है बहुत अधिक तापमान पे ठीक इसका राइट आंसर ए होगा देखिए हमने कल भी बताया था कि आप लोग जैसे रूपाली ने आंसर दिया है वैसे आप लोग भी अगर आंसर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे उन्होंने लिखा है कि सेवनटीन का है तो उस तरह से आइडिया लगता है कि अगर आपका आंसर लेट भी आ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं रहता है ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूरिया में सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है यूरिया में सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है 18 का बताइए चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर रुद्रांश शिवानी और विकास इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हेपेटिक नस यानी कि वेंस सी ऑप्शन इसका राइट होगा एटीन का सी जिसका यहाँ पर शो करेगा उसका जरूर नाम अलाउंस कर रहे हैं हो सकता है कि आप आप अपने यहाँ से भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पर आते आते लेट हो जा रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क स्लो होने के कारण आपका आप में जल्दी सेंड करता है लेकिन हमारे में शो करने में टाइम लगता है उसको चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूरिन में सामान्यत निम्नलिखित में से कौन सा, में कौन सा पदार्थ पाया जाता है मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है चले इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर विकास ठाकुर और देव इन लोगों ने सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है ओके इसका राइट आंसर होगा क्रिएटिनिन ठीक है बी ऑप्शन इसका राइट होगा नाइनटीन का बी नाइनटीन का बी और टारगेट आप लोग का यही है कि कोशिश कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे तीस लोगों को ऐड कराइए ठीक है क्योंकि आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं तो ही लोग आएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी इसमें पूछा गया था कि कौन सा होता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मूत्र का असामान्य घटक है यानी कि इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है उसमें इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता इसका मतलब ये हुआ ट्वेंटी का क्वेश्चन चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर रॉयल ठाकुर और खुशबू ने दिया है एल्बुमिन होगा एल्बुमिन रूपाली आपने ऑप्शन में ए सिलेक्ट किया है और इस तरह कॉल लिखे हैं दूसरा तो देखिए हमने पहले ही बताया कि वो होगा जो कि इसमें असामान्य घटक यानी कि सामान्य घटक पूछता तो तो उसमें यूरिया क्रिएटिनिन और सोडियम ये तीनों आते हैं लेकिन असामान्य पूछा है तो इसलिए कि मतलब जो नहीं आता है यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा ठीक है इसके इस क्वेश्चन से आपको ये भी सीखना ये भी आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से होते हैं और ये भी पता चल गया कि कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है इसीलिए तो दोनों क्वेश्चन एकदम अगल बगल थे तो आपको ये क्वेश्चन इसी तरह सेलेक्ट करना है कि किसमें क्या है अभी ट्वेंटी वन दिए नहीं तब तक रुद्रांश तुम ट्वेंटी वन का आंसर कहां से दे दिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माइल्ड एसिड कौन सा है यानी कि हल्का एसिड इसमें से कौन सा है कोई बात नहीं चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर देव हर्षिता और उसके बाद रुद्रांश इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है देखिए अगर आपका लाइट माइल्ड एसिड के बारे में बात किया जाए माइल्ड एसिड के बारे में बात किया जाए तो बोरिक एसिड माइल्ड एसिड होता है माइल्ड एसिड मतलब कि बोरिक एसिड डी ऑप्शन इसका राइट होगा बोरिक एसिड को ही माइल्ड एसिड कहते हैं ओके okay? बोरिक एसिड को ही माइल्ड एसिड कहते हैं चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइट पे पहुंचा था चंद्रमा के डार्क साइट पे पहले पहुंचा था चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर रायल ठाकुर देव सिकरवार और उसके बाद रुद्रांश इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा चाइना चाइना सबसे पहले डार्क साइड पे गया था चंद्रमा के यानी कि मून का जो डार्क साइड है उस पर सबसे पहले चाइना गया था चाइना और क्या है तो ये अगर पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कह, तो भी चाइना में ही है ठीक है अभी कल भी हम लोग डिस्कस किए थे चाइना को लेके। अभी हम क्या बोले जिनका मेरे में शो क्या है उसका तुम्हारा उसके बाद शो क्या है शिवांगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चंद्रमा पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या होगी चंद्रमा पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या होगा चलिए इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर बस एक ही लोग है। है? क्वेश्चन है।, छोटा -छोटा है और आप लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं और ये कंपटीशन में आता भी है तो अभी याद कर लीजिए कि चंद्रमा पर अगर कोई पेंडुलम होता है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ओके okay. आपको याद रख लेना है कि क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो हमारा फ्यूज वायर होता है फ्यूज वायर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूज वायर क्या वो कैसे हम लोग पहचानते मतलब उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए फ्यूज वायर की देखिए जो टेंथ में इस साल हैं या उनसे तो ये गलतियां होनी ही नहीं चाहिए चले इसके राइट आंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर रुद्रांश और स्मार्ट बॉय के नाम से जो भी हैं वो और देवशी करवार इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है क्या होना चाहिए तो हाई रेज रेजिस्टेंस एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में बोला जाए तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गल गलनांक यानी कि हाईटेंस और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट अगर मेल्टिंग पॉइंट ही हाई कर देंगे ठीक है अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोग कर दिए तो फिर उसका भी रीजन दे रहे हैं आर्या सिंह हाई मेल्टिंग पॉइंट कभी नहीं होता है अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो सपोज करिए कि अगर आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो अगर ये हमारा फ्यूज का अगर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा अगर फ्यूज वायर रहता है फ्यूज इस टाइप का आपका रहता है यहाँ पर वायर लगा रहता है तो अगर उस वायर को रखा जाएगा तो पता चलेगा कि घर में सब चीज तो सबसे पहले थोड़ा भी हीट होना जाता है मतलब कि मेल्ट हो जाता है आप देखे होंगे कि जिनके घर में फ्यूज लगा होता है अक्सर फ्यूज उड़ जाते होंगे अगर थोड़ा भी हीट होता है या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो तो इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और इसीलिए उसमें पतला वायर बस एक लगाया जाता है एकदम पतला वायर लगाया जाता है ताकि थोड़ा भी अगर हो तो क्लियर हो जाए ठीक है अभी सबको क्लियर हुआ क्या होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ठीक है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा अंग है गर्भ के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा अंग है चले इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर रॉयल ठाकुर खुशबू और निकिता इन लोगों ने सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है ठीक है इसका होगा वो ए होगा गर्भाशय ए ऑप्शन इसका राइट होगा ओके okay? चलिए अभी क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर होता है क्योंकि पानी की तुलना में कम होता है क्या कम होता है कोई बात नहीं कुछ चीजें याद भी कर लेनी चाहिए पानी की तुलना में क्या होता है पानी की तुलना में कम होता है क्या चलिए इसमें जीके भी मिक्स कर दिया गया है थोड़ा बहुत अभी नेक्स्ट क्लास में जो भी रहेगा उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी का रेशियो कर दिया जाएगा पहले ट्वेंटी उसका चलिए इसके राइट right आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट right आंसर किसी ने नहीं दिया है ठीक है ट्वेंटी सिक्स का राइट right आंसर होगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है आपको पता होना चाहिए कि वाटर पॉइंट सबसे अधिक होती है हंड्रेड डिग्री ठीक है वाटर पॉइंट सबसे अधिक होती है तो कभी भी एल्कोहल की जो होगी वो भी तो कम ही होगी वाटर से और यही पूछा है कि क्योंकि पानी की तुलना में कम होता है क्या कम होता है और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट इज करेक्ट ऑप्शन ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कल का क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन अभी हमने कल ही कराया था आप लोगों का तो गलतियां नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में ट्वेंटी सेवन का जल्दी से बताइए ट्वेंटी सेवन का चलिए बहुत सही रॉयल खुशबू और रुद्रांश इन लोगों ने सबसे पहला आंसर इसका दिया है बहुत सही अभी जो गलत आंसर देगा उसका नाम अलाउंस होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी कराया गया था ठीक है चलिए इसका नेक्स्ट इसका राइट right आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट right आंसर क्या होगा सेवन प्वाइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव ठीक है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन प्वाइंट फोर फाइव चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इको किसके कारण उत्पन्न होता है किसके कारण प्रोड्यूस होता है इको इको की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो इको जो होता है वो किसके कारण चले इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन होगा रुद्रांश और का ही बस सही है और किसी का नहीं अभी आर्या का भी आ गया तो इन तीनों लोगों का ही बस सही है इसका राइट आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको पता होना चाहिए कि इको में क्या होता है साउंड जो होता है वो गूंजता है रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो उसका राइट right आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसका राइट right आंसर होगा ओके okay? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में आप लोग होंगे बहुत ही अच्छे तरीकों से कि पदार्थ की पांचवी अवस्था फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर इज

अभी आपसे इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन किया जाए कि फोर्थ स्टेज अगर पूछा जाए मैटर का फोर्थ स्टेज तो बताइए क्या होगा मैटर का फोर्थ स्टेज बताना है जल्दी बताइए क्या होगा मैटर का फोर्थ स्टेज बहुत से रुद्रांश अभिनव अभिनव प्रकाश रायल ठाकुर आर्या अंश अंकित बहुत से अगर आपका फोर्थ स्टेप पूछता है तो प्लाज्मा होता है और अगर आपको एक यहीं पे एक चीज और बता दे रहे कि अगर आपका नहीं दिया बोस आइंस्टीन नहीं दिया है और फिर भी फाइव स्टेप मतलब पांचवी अवस्था के बारे में पूछे तब अगर वेपर दिया रहेगा तो आप लोग वेपर को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे वेपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि अगर बोस आइंस्टीन के बदले वेपर रहेगा तो वो चल जाएगा ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हारमोन्स गैसीय रूप में पाया जाता है गैसीय रूप में पाया जाता है कौन सा हारमोन्स कौन सा हारमोन्स गैसियर फॉर्म में पाया जाता है चलिए इसका राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो विकास स्मार्ट बॉय एंड अंकित इन तीनों लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है ऑक्सीन इसका राइट आंसर होगा देखिए जो लोगों का नाम अगर कोई दूसरे नाम से उनकी आईडी है तो अपना नाम एक बार मेंशन कर दें ठीक है इसका राइट आंसर ऑक्सीन होगा डी ऑप्शन इसका राइट होगा ये जो होता है ये ये हार्मोन जो होता है वो गैशिय फॉर्म में रहता है गैशिय फॉर्म में रहता है ये ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में रहता है ओके okay? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसिड बेस से रिलेटेड है रवि राजपूत बहुत सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण है क्योंकि यह एक लवण अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक साल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ थर्टी वन का बताइए जल्दी से चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर रॉयल ठाकुर रुद्रांश और मुस्कान इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है ठीक है इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सी ऑप्शन इसका राइट होगा ठीक है स्ट्रॉ एसिड एंड वीक बेस देखिए जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं देना है कोई बात नहीं थोड़ा सा लेट हो लेकिन आप अपने एकुरेशी को करो, एकुरेशी को कंसीडर कंसीडर करो करना है आपको आराम से देखिए अभी काफी लोग ने काफी लोग के क्वेश्चन सही हो रहे हैं लेकिन उनके आंसर थोड़े से लेट आ रहे हैं लेकिन कम से कम ये तो क्लियर है कि वो लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं चाहे आराम से दे रहे हैं आंसर लेकिन क्वेश्चन तो उनके सही हो रहे हैं तो यहां पर यही देखें ठीक है हाँ, लाइक तो कर ही दीजिए आप लोग वीडियो को और जैसे आज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू लोग चले, मतलब ज्वाइन किए हैं टारगेट यही है कि कम से कम पहले हम लोग थर्टी लोगों को यहां पर कलेक्ट कर लें तीस लोगों को ज्वाइन करना है ठीक है तो कोशिश करते हैं कि जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं वो कल भी ज्वाइन करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन टू में यानी कि एन टू में कितने आयन जोड़ी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एन टू में कितने जोड़ी इले, आ, कितने आयन जोड़ी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो विकास रॉयल ठाकुर और खुशबू इन लोगों ने सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है ठीक है इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा दो यहां पर क्या बोला जाता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी आयंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करिए ठीक है डी ऑप्शन इसका राइट होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बायो कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट क्या है यहां पर बायो कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया है कि बायो कैटलिस्ट क्या है चलिए इसके राइट right आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आंस आर्या और खुशबू इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है बायो कैटलिस्ट जो होता है वो एक एंजाइम होता है ठीक है बायो कैटलिस्ट की बात किया जाए तो बायो कैटलिस्ट क्या होता है एक एंजाइम होता है ठीक है तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ओके ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस स्रोत का नाम बताइए उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें एस्प्रीन का उत्पादन होता है उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें एस्प्रीन का उत्पादन होता है जल्दी से बताइए एस्प्रीन एस्प्रीन की बात किया गया है चले इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसके राइट आंसर देव अंकित पाठक और खुशबू इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है सबसे पहले ओके इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा विलो की छाल विलो बार ठीक है ए ऑप्शन इसका राइट होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे सोनोग्राफी में कौन से वेब होते हैं आज इसी को मेंशन कर दिया गया है आज इसी में मेंशन कर दिया गया कल से 2020 का दोनों रहेगा चलिए इसका राइट right आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट right आंसर सीखा रूपाली और रुद्रांश इन लोगों ने इसका राइट right आंसर दिया है इसका राइट right आंसर क्या होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इसका राइट right आंसर होगा ओके रीजनिंग का अभी स्टार्टअप नहीं किया गया लेकिन रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किया जाएगा लेकिन आप लोग पहले इस प्लेटफॉर्म पे तो तीस लोगों को कम से कम ऐड कराइए जब यहां पर तीस से चालीस लोग होंगे कम से कम फिलहाल तीस लोगों को तो ऐड कराना है तो फिर दूसरी क्लास कोई रखी जाएगी हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं आप लोग को बस यहाँ पर जो लोग इंटरेस्टेड हों उनको ज्वाइन कराना है ताकि इस क्लास में थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल जो हो उसको हाई किया जाए मजा तभी आएगा जब मैक्सिमम लोगों के आंसर सही होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रभावित गुर्दे वाले रोगियों उपयोग किया जाता है जिसमें शामिल घटना है चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हर्षिता ओझा चले इसका राइट आंसर केवल हर्षिता हो जाएगा सही है ऑस्मिस होता है सी ऑप्शन ओके गलत हो रहा है तो याद कर लीजिए कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आप लोग के यहां उसको उसको क्लियर होने में टाइम लग रहा है लेकिन वो है क्लियर थोड़े देर में आप लोग के यहां भी क्लियर हो जाएगा है वो एकदम क्लियर ठीक है क्योंकि हम भी चेक कर रहे हैं उस क्वेश्चन को तो फिलहाल वो क्लियर ही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबी किड़वन के बारे में कार्रवाई द्वारा लाया जाता है जो शराबी किड़वन होता है वो किसके थ्रू बनता है चलिए इसका राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो आर्या रूपाली शर्मा और शिवम इन लोगों ने सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है बहुत सही और मैक्सिमम लोगों का सही है ईस्ट होता है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ईस्ट ठीक है ईस्ट इसका राइट आंसर है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकली है कि फूलों से सुगंध निकलती है किस रीजन से फूलों से सुगंध निकलती है चलो इसका राइट आंसर की बात करें खुशबू सिंह हर्षिता ओझा और रूपाली इन लोगों ने इसका राइट आंसर सबसे पहले दिया है ओके अट्रैक्ट चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा अट्रैक्ट इन इंसेक्ट ठीक है कीटों को आकर्षित करना चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि H2O तरल है और H2S गैस है क्योंकि जो H2O एक है वो तरल है और जो एक H2O है वो गैस है चलिए अभी नहीं डिस्टर्ब होगा आप लोग को चलिए यहां पे आप लोग इसका आंसर बताइए थर्टी नाइन का आंसर बताइए चलिए इसके राइट आंसर हम कमेंट नहीं देख पाए क्योंकि कोई डिस्टर्ब कर रहा था तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में मजबूत हाइड्रोजन बंद बनाती है ओके इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा ए ऑप्शन होगा ओके अभी इसका राइट आंसर जो भी लोग दिए होंगे जिनका भी ए ऑप्शन है वो सही होगा ठीक है जो भी फर्श होगा वो चूंकि प्रॉब्लम आ गया था कि कोई डेली मतलब अचानक से ज्यादा कमेंट करने लगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ गई अभी वो कमेंट नहीं आएगा ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, किसी का गलत नहीं होना चाहिए एकदम आसानी से सारे लोग बता देंगे कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू एक्यूरेट कितना है चलिए इसका राइट आंसर रुद्रांश खुशबू देव आर्या रॉयल ठाकुर अभिनव प्रकाश शिखा रुद्रांश निकिता हर्षिता शिवांगी बहुत सही शिवांगी तुम्हारा गलत है सॉरी शिवांगी डी ऑप्शन नहीं होगा देखिए सेवन नहीं होगा सेवन पॉइंट फोर होता है अभी आपने उससे पहले भी किया था रबी राजपूत आपका भी डी ऑप्शन आपने पहले सेलेक्ट किया था अभी बी कर लिए सही बात है बी सही होगा हमने अभी आपको बोला भी था एक ऑप्शन दिए भी थे तो सेवन पॉइंट थ्री फोर से उसमें सेवन पॉइंट फोर फाइव तक था और यहाँ पर आपका सेवन पॉइंट फोर है तो सेवन पॉइंट फोर आपका होगा यानी कि इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता रहना चाहिए कि सेवन पॉइंट से लेकर सेवन सॉरी सेवन पॉइंट थ्री फाइव से लेकर सेवन पॉइंट थ्री फाइव से लेकर सेवन पॉइंट फोर फाइव तक रहे तो आपका ब्लड का पी एच वैल्यू इतना होता है अभी हमने पहले भी आपके क्वेश्चन में कराया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है ठीक है और कोशिश करना है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोगों को ऐड कराना है जो कि सीरियस हो पढ़ाई को लेके ऐसा ना कि अभी आके जल्दी जल्दी कमेंट जो कर रहे थे उस टाइप के नहीं ठीक है तो ऐसा आपको करना है कि जो लोग सीरियस हो उनको ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आज कम से कम बहुत अच्छे कम ट्वेंटी टू लोगों को आप लोगों ने ऐड कराया तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप कल कम से कम तीस लोगों को ऐड कराइए अगर आप लोग दो दो लोग को भी इनवाइट करेंगे और वो लोग आएंगे तो हो जाएंगे ओके तो अगर कोई अपना स्कोर शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है कि आप लोगों में से कितना स्कोर हुआ और आप लोग छह बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए किसी दिन एक दो मिनट लेट होता है बाकी डेली छह बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है अभी कोई अगर अपना यानी कि हरेंद्र देखो तुम एकट अपना शेयर क्या करो ये सब फालतू सेवन बाई फोर्टी ये सब नहीं जो तुम्हारा सिंह बहुत अच्छा आपका स्कोरिंग रहा है हमने देखा भी आ, कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होता है बहुत सही है थर्टी थ्री आइडिया लग जाता है मैक्सिमम लोगों का तो मतलब हम भी तो रीड कर रहे हैं हम भी भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आइडिया लग जाता है कि किसके कितने सही हो रहे हैं और कोई अपना शेयर करना चाहेगा और थोड़ा सा आप लोग भी इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए इस वीडियो को भी जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग और ज्वाइन होंगे आप अगर टेलीग्राम पे कोई एजुकेशनल ज्वाइन चैनल ज्वाइन किए हैं या फिर कोई और कोई ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो वहां पर इसका लिंक शेयर कर दीजिए अंकित पाठक थर्टी वन बहुत सही अंकित पाठक का भी मैक्सिमम क्वेश्चन सही होता है रॉयल ठाकुर का भी सही होता है लेकिन वो मैन में, अपना मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं अंकित पाठक बहुत सही आपका भी बहुत क्वेश्चन सही होते हैं हमने देखा भी है और आपसे भी कह रहे हैं पर्सनली कि आप भी कोशिश कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे और लोगों को ऐड कराइए देखिए पहले के सेशन में हम लोग पचास साठ लोगों को के साथ हम लोग डिस्कस करते थे अभी क्या है कि बहुत ही कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग के सपोर्ट की नीड्स है ठीक है और हरेंद्र तुम लोगों भी तुम अपने और भी भाइयों लोगों जो भी हैं, उनको ऐड कराओ सारे लोग कम से कम एक घंटा तो टाइम आप लोग निकाल ही सकते एक घंटा क्या लमसम तीस चालीस मिनट का ये सेशन होता है उसमें तो आप लोग निकाल ही सकते हैं ठीक है चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग